छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सिरसा खुर्द गांव में लगभग 150 कुम्हार अयोध्या में होने वाले श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मिट्टी के दीयों की मांग को पूरा करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अब 2 हफ्ते बचे हैं, ऐसे में मिट्टी के दीयों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। तो गर्मी अभी सामने है, मटके वगैरह भी बनाना रहता है, तो उसका क्या हो रहा है? अभी 22 तारीख के बाद चालू होगा मटका। अच्छा, अभी दिया का काम करेंगे उसके बाद। ये कुम्हार आमतौर पर सर्दियों में गर्मियों के लिए पानी के बर्तन बनाने में लगे रहते हैं। इस बार इनके लिए मिट्टी के दीयों की भारी डिमांड कमाई का एक अच्छा मौका लेकर आई है। ये ऑर्डर कैसे आ गया आपका? ऑर्डर जो राम मंदिर है ना, उसी का कारण बाइक कर गया ना, इसीलिए लकड़ी वाले उनकी भाव बढ़ा है। तो कुछ कमाई उमाई बढ़ा क्या? बढ़ा क्या, घर की छवि सीधी कर भगवान, कुछ नहीं। सर तो ये साल बहुत ज़्यादा है, अभी अयोध्या से थी बहुत सारा है, अभी आर्डर है, बनाने वाला भी कम है भाई। इन दीयों को केवल आम लोग ही नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि सामाजिक संगठनों ने भी दीयों के लिए ऑर्डर दिए हैं। 22 तारीख को भगवान राम जी स्वयं मंदिर में स्थापित होंगे, ऐसा कह लीजिए कि साक्षात भगवान स्वयं राम आएंगे। उनकी खुशी के लिए हम सब लोगों ने दिया हर घर के अंदर में लोगों को दिया वितरण, तेल वितरण, ये मिठाइयां वितरण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इस गांव में कुम्हारों को उम्मीद है कि दीयों की मांग अभी और बढ़ेगी, ऐसे में उनके चाक जल्द ही बंद नहीं होंगे। देश भर में लोग 22 जनवरी को दिवाली त्योहार की तरह मनाने की योजना बना रहे हैं।